की कथा है, परमात्मा का कीर्तन है, ये मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। आत्मरंजन आमतौर पर हम और आप लोग जितनी कथाएं, जितने प्रवचन, जितने भजन सुनते हैं वो मनोरंजन है, मन के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए। जैसे अभी दो चार नाचने वाले आपने बुलाए हुए थे, वो आत्मरंजन नहीं है, वो मनोरंजन है। वहाँ मन की प्रसन्नता, परमात्मा की प्राप्ति वहाँ नहीं। थोड़ी देर नाच लिया, गा लिया, कूद लिया, उससे आपकी आत्मा की संतुष्टि होने वाली नहीं है। आत्मनेवा आत्मतुष्टये, शास्त्र कहता है कि पहले तो हम ये जाने कि जहाँ हम आए हैं वहाँ आए क्यों हैं। दरअसल हम और आप जो आजकल तीर्थों पर आते हैं, वो आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अधिकतर आप सबका तो पता नहीं, परंतु 90% लोग करीब करीब तीर्थों में आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। लोगों को लगता है कि आउटिंग हो जाएगी, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बाहर घूमना भी हो जाएगा, लेकिन वहां तीर्थ का महत्व खत्म हो जाता है। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, हरिद्वार से। आपने अभी सुना ही होगा 15 और 16 तारीख को भगवान ने क्या करके आपको दिखाया। देखिए, तीन प्रकार के प्रकरण होते हैं हमारे वेद में, शास्त्रों में। समझिए जरा बात को। आप अमरनाथ जी में आए हैं, अमरनाथ जी का मतलब क्या है वो तो समझे पहले, फिर उनका दर्शन करें। तीन पद्धतियां हैं किसी को ज्ञान देने की, किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाने की, किसी को उपदेश देने की। तीन पद्धतियां हैं, पहली है लिख करके, दूसरी है बोल करके, और तीसरी है क्रियान्वित करके, कर्म के द्वारा। लिख करके, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई, रामचरितमानस की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई। ये आप लोगों को लिख करके समझाया गया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परमात्मा क्या कर सकता है, परमात्मा क्या नहीं कर सकता, ये आपको लिख करके समझाया गया। और दूसरा बोल करके, शब्दों के द्वारा। ये हम आजकल जो कथावाचकों की भीड़ लगी है, बाढ़ आई हुई, इतने श्रोता नहीं है जितने कथावाचक। ये पंडित जी वृंदावन के, वृंदावन में मुझे लगता है कि एक आवाज लगा दो तो 10,000 भागवत के वक्ता निकल आएंगे कम से कम। बाढ़ आई हुई है वक्ताओं, वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपदेश वेद में कौन सा बताया है? लिखा हुआ नहीं, कहा हुआ नहीं, जो क्रिया के द्वारा आपको बताया जाए, जरा समझना। लेकिन उनका एक नाम है प्रलयंकारी। क्या नाम है? प्रलय करने वाले। मैं क्या कर सकता हूँ ये करके दिखा दिया उन्होंने केदारनाथ में, ये करके दिखाया उन्होंने। ये समझना जरा मैं जो कहना चाहता हूँ। आप लोग तीर्थों पर आते हैं, जरा बात को समझिए। मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप तीर्थों में तीर्थ की दृष्टि ना रख करके एक होटल की तरह, एक पिकनिक की तरह, एक मटर गश्ती करने की तरह, आउटिंग करने की तरह आते हैं, तो महती विनश्यति बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। इसको आप जरा समझिए, क्योंकि हमारा एक आश्रम हरिद्वार में, एक बद्रीनाथ जी में, आपको हैरानी होगी कि जितने लोग बद्रीनाथ आते हैं 70-80% लोगों के बैग में शराब होती है। निकृष्ट कर्म करते हैं। अब जब आप निकृष्ट कर्म करेंगे, न करने योग्य कर्म जब आप करेंगे, तुम्हारा परमात्मा क्या करेगा, प्रकृति क्या करेगी, ये परमात्मा ने आपको करके दिखाया है अपने कर्म के द्वारा।